नमस्ते, मैं हूँ शोभा। मेरे किचन में आप लोग को स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी गेट्स का गुलाब जामुन, जो कि जिसका फट जाता है गुलाब जामुन। परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जैसे कि इजीली आपका ऐसे ही जूसी सा गुलाब जामुन बने। तो पहले तो आपको गेट्स गुलाब जामुन ये पे ले लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, काट के मैं यहाँ पे पूरा ही ले लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा जैसे गुठलियाँ जैसे दिख रहा है। तो इसको पहले आपको क्या करना है, हाथ से आपको अच्छे से एकदम से मसल मसल के एकदम से, आप देख सकते हैं ये जो गुठलियाँ जैसे दिख रहा है ना, वो एकदम से पाउडर फॉर्म जैसे करना है। उसके बाद दूध आपको हल्का गुनगुना दूध ले लेना है और हल्का हल्का आप डालिएगा और आपको यहाँ पे बाइंडिंग करना है। आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का डाल रहा हूँ, 1 टीस्पून 2 टीस्पून ऐसे ही आपको ऐड करना है। एक साथ आपको नहीं डालना है, नहीं तो आपको या पानी हो जाएगा या फिर अच्छे तरीके से आपका बाइंडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मसल रही हूँ, देख सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा आपको फ्लैट कर लेना, उसके बाद आपको थोड़ा सा करके फिर से आपको दूध डाल देना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, 2 टीस्पून दूध के बाद आपको फिर से उसको अच्छे से मसलना होगा, जैसे आटा गूंथते हैं। बस प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा समय लगेगा इसको। तो इसी तरह आपको क्या करना है, अच्छे से आपको मिक्स कर लेना होगा एकदम से। तो इसी तरह आपको लगभग मुझे 5 मिनट लगा हुआ है। तो अच्छे से आपको इसी तरह थोड़ा फ्लैट करके आप दूध डालिए, फिर से मिक्स कीजिए, इसी तरह आपको करना है। तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे आपको गोल करना है एकदम से। गुलाब जामुन का छोटा सा आपको टुकड़ा लेके ही करना है, क्योंकि वो फूलने के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुलाब जामुन एकदम मेरा परफेक्टली बन चुका हुआ है। देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे फटा नहीं है, इसी तरह ही करना है, नहीं तो फट जाएगा तो फिर आपका गुलाब जामुन ना जब बनाते समय वो फटा हुआ दिखेगा। तो अगर परफेक्टली मार्केट जैसे अगर बनाना है तो इसी तरह आपको बनाना है। टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को बता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल गर्म हो चुका हुआ है मेरे, एकदम से मीडियम से आपको लो रखना है ऑयल। ये भी आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आपको ज़्यादा अगर हाई फ्लेम आप कर लीजिएगा तो उसमें क्या होगा ना, आपका बाहर में तो पक जाएगा बट अंदर में आपका कच्चा रह जाएगा। देख सकते हैं ये एकदम से एक एक करके यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पे डालने के बाद आपको बस एक बार बस चला लेना है, जैसे नीचे ना लगे, बस उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं चलाना है। वो अपने आप ही अगर घूम जाता है तो आपको पता चल जाएगा, देख सकते हैं ये ऐसे अपने आप घूम रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट गुलाब जामुन बना है विदाउट कोई क्रैक्स हुए। तो इसी तरह आपको क्या करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन तक आपको एकदम से गुलाब जामुन को अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपको चाशनी बनाना है। एक बाउल आपको चीनी ले लेना है, एक बाउल आपको पानी ले लेना होगा। तो हल्का सा आपको स्पून के हेल्प से आपको यहाँ पे पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना होगा। मिक्स कर लेने के बाद 2 इलायची आपको ऐसे खोल के आपको डाल देना होगा। खोल के डालने के बाद 4 से 5 मिनट आपको लगेगा ये चाशनी बनने के लिए। एक दार चाशनी आपको बनाना है और उसके बाद आपको इसी तरह 5 मिनट के बाद ये चाशनी बनके तैयार हो चुका है। तो चाशनी गुनगुना रहना चाहिए, ज़्यादा पूरा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो ये गुलाब जामुन का बाउल जो है उसी को भी आपको हल्का सा गर्म नहीं या ठंडा नहीं वैसे टाइप में डालना होगा। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद कुछ इस तरह बन चुका हुआ है ये गुलाब जामुन, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। इस दिवाली में ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ यह रेसिपी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।